नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बैद्यनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बिना बाबा के दर्शन के ही लौटे तो वहीं वीआईपी ट्रीटमेंट लेने से भी किया मना। तो आइए जानते हैं क्या है ये मामला। सावन शुरू होने में भले ही वक्त हो, लेकिन देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर में दर्शन करना आम क्या वीआईपी लोगों के बस की भी बात नहीं है। यही कारण रहा कि बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बगैर बाबा के दर्शन के ही लौटना पड़ा। दरअसल पशुपति कुमार पारस बीते शनिवार को बाबा धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनको देवघर मंदिर परिसर स्थित बाबा की पूजा अर्चना करनी थी। इसके लिए वो बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दर्शन न हो सका। बता दें कि मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से बाबा बैद्यनाथ का बिना पूजा किए ही वो वापस लौट आए। हालांकि मंदिर परिसर स्थित नर्मदेश्वर बाबा की उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मामले में मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि भीड़ अत्यधिक थी, जिस वजह से पूजा नहीं हो पाई। मंत्री ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करना मंदिर प्रशासन के बस के बाहर की बात थी। मंदिर प्रशासन और पंडा समाज का आपसी तालमेल भी नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि फोर्स बुलाकर पूजा कराई जाएगी, लेकिन मंत्री ने कहा कि हम जन प्रतिनिधि हैं और फोर्स बुलाकर आम श्रद्धालुओं को तकलीफ देकर पूजा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैंने मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर ली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा के दरबार पहुँच गए उतना ही काफी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि इस बार एनडीए की सरकार 2/3 जीत दर्ज कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जा रही है। हाल ही के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लिया, वहीं दूसरे देश के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री के पैर छुए। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस ने आगे कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो या गरीबों को इलाज कराने को लेकर आयुष्मान की बात करें, इसके अलावा कोविड-19 में गरीबों को राशन देना, अभी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 10 लाख नौकरियां बेरोजगार युवाओं को दी जा रही है। इसी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस तरह से देश के लिए कार्य कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर केंद्र की सरकार बनाएगी। वहीं पटना में पिछले दिनों विपक्ष को एकजुट करने के मकसद से बुलाई गई बैठक पर केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ये देश 1 अरब 40 करोड़ लोगों का है, यहाँ सबके अपने अपने मुद्दे हैं। ऐसे में विपक्ष की यह बैठक कभी सार्थक नहीं हो पाएगी। यही वजह थी कि बैठक के बीच से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उठकर निकल गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सब की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन पद तो केवल एक ही है लेकिन उसके दावेदार कई हैं, लिहाजा विपक्ष में 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति है और यही वजह है कि विपक्षी एकजुटता नामुमकिन है। तो आपने देखा कि बैद्यनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बिना बाबा के दर्शन के ही लौट गए और साथ ही उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट लेने से भी मना किया। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर कई सवाल भी उठाए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।